हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए 14 घंटे तक चली कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग की महत्वपूर्ण बातें। लद्दाख में चाइनीज टैंक्स को काउंटर करने के लिए अब इंडियन आर्मी भी खरीद रही है नए लाइट टैंक्स। आर्मी ने जारी करी 1,00,000 AK-47 प्रोटेक्टेड हेलमेट्स की खरीद के लिए RFI। आर्मी को जल्द मिल सकती है कैराकल की Kar-816 कार्बाइंस और S-400 के सामने फेल हुआ F-16 फाइटर। भारत चीन सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दूसरे फेज के लिए कल मंगलवार को जो भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग आयोजित की गई थी, ये मीटिंग कल सुबह चुसूल के 11 बजे शुरू हुई और करीब 14 घंटे तक चलने के बाद ये रात के 2 बजे खत्म हुई थी। लेकिन इस मीटिंग की बातचीत का नतीजा गुरुवार से पहले आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष अब इस मीटिंग पर आंतरिक चर्चा कर रहे हैं और आर्मी के टॉप ऑफिसर्स के मुताबिक ये एक बेहद ही लंबी मीटिंग थी जिसमें दोनों पक्षों ने अपना अपना एजेंडा सामने रखा और ये एक बेहद ही जटिल और कठिन बातचीत थी। और यही वजह है कि दोनों देशों की सेनाएं अब इस मीटिंग पर इंटरनल डेलिब्रेशन यानी कि आंतरिक चर्चा कर रही है और इस आंतरिक चर्चा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात फील्ड कमांडर्स के साथ साथ सेना और सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी मीटिंग की जानकारी साझा की जा रही है। और रिपोर्ट्स हैं कि आर्मी चीफ खुद साउथ ब्लॉक में टॉप कमांडर से इस मीटिंग को लेकर बैठक कर रहे हैं और यही वजह है कि मीटिंग के निर्णय और फैसले को लेकर गुरुवार तक ही आर्मी या फिर विदेश मंत्रालय से कोई औपचारिक बयान जारी किया जाएगा। और इस मीटिंग के लंबा चलने का एक मुख्य कारण ये भी है कि इसमें पूरा ब्यौरा इंग्लिश और चाइना की मैंडरिन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में भी लगा है। और बता दें कि ये भारत और चीन के बीच आयोजित हुई अभी तक की सबसे लंबी कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ के साथ 17 और 18 जुलाई को लेह लद्दाख का दौरा कर सकते हैं, जहां पर वे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के साथ साथ ऑपरेशन प्रिपेयरनेस का भी रिव्यू करेंगे। हालांकि आज बुधवार को चीन की तरफ से इस कोर कमांडर्स लेवल की चौथी मीटिंग को लेकर एक बयान सामने आया है जिसमें चीन का ये कहना है कि इस मीटिंग में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनी है और साथ ही सीमा पर से ट्रूप्स के डीएस्केलेशन पर भी बात की गई है। और जबकि अब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान वैली इन क्षेत्रों से चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पहले ही पुल बैक कर चुकी है और अब चाइनीज मिलिट्री की थोड़ी बहुत प्रेजेंस फिंगर 4 के रिज लाइन से भी कम हुई है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। और इस मीटिंग में मुख्य रूप से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हथियार और दूसरे सैन्य सामान खरीदने पर निर्णय लिया गया है और जिसके तहत DAC ने उभरती हुई परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्म फोर्सेस को 300 करोड़ रुपए तक की तत्काल रक्षा खरीद के लिए नई फाइनेंशियल पावर्स प्रदान की हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि हाई अल्टीट्यूड कंडीशंस पर तैनात करने के लिए और खास करके चाइना के ZTQ-15 लाइट टैंक्स को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी अपनी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स के तहत लाइट वेट टैंक्स को खरीदेगी और आर्मी के इस प्रोग्राम में कई सारे रशियन और यूरोपियन लाइट टैंक डिजाइनर्स कंटेंडर्स के तौर पर शामिल हैं। और आर्मी में लाइट टैंक्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण अपग्रेड है, क्योंकि इस तरह के टैंक्स को लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे हिसाब से इस कंपटीशन में रशिया की तरफ से 2S-25 स्प्रिट SD जैसे लाइट टैंक को पेश किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने रशिया के इस स्प्रिट SD लाइट टैंक पर पहले भी अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। और जबकि DRDO भी करीब एक दशक पहले BMP-2 चेसिस के आधार पर लाइट टैंक्स को विकसित कर चुकी है। अब बस देखना यह है कि इंडियन आर्मी अपनी लाइट टैंक्स की खरीद के लिए इम्पोर्ट के साथ जाती है या फिर स्वदेशी ऑप्शन को चुनती है। और इसी बीच मेक इन इंडिया के लिए भी एक अच्छी खबर है और वो यह है कि आज जो DAC की मीटिंग आयोजित हुई थी, इस मीटिंग से पहले इंडियन आर्मी ने स्वदेशी ड्रोन्स खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी कर दिया है, जिसके तहत भारत की स्वदेशी कंपनियां अपना अपना प्रपोजल आर्मी को देंगी और इन ड्रोन्स को भारत में स्वदेशी तौर पर बनाने के लिए ये कंपनियां किसी विदेशी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर भी स्थापित कर सकती हैं। और आपको इस प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता दें कि यहाँ पे जिन ड्रोन्स की बात की जा रही है वो मैन्युवरेबल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की बात की जा रही है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में टारगेट ड्रोन कहा जाता है और जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से एंटी एयरक्राफ्ट क्रूज की ट्रेनिंग के लिए होता है। और इसलिए आर्मी के इस प्रपोजल में DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया अभ्यास नाम का हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ड्रोन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर निकल के सामने आता है। और जबकि DRDO के इस अभ्यास नाम के टारगेट ड्रोन के परीक्षण पिछले साल ही 13 मई 2019 को भी आयोजित किए गए थे और हम भी DRDO के इस अभ्यास टारगेट ड्रोन पर एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर जरूर देखें और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। इंडियन आर्मी ने अपने सोल्जर्स की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत आर्मी ने करीब 1 लाख
AK-47 प्रोटेक्टेड हेलमेट्स की खरीद प्रक्रिया को शुरू किया है और इस तरह के खास बैलिस्टिक हेलमेट्स को खरीदने के लिए शुरू की गई ये प्रोसेस दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट्स में से एक है और ये प्रोसेस 23 जून से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत इंडियन आर्मी ने इंडियन और ग्लोबल दोनों ही तरह के हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी कि RFI को जारी किया है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इसके तहत आर्मीज इन्फेंट्री डायरेक्टरेट ने 13 जुलाई को नई दिल्ली में कुछ हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक प्रारंभिक बैठक भी आयोजित की थी और इस खरीद प्रक्रिया के लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो अगले साल फरवरी के महीने में जारी किया जाएगा। हालांकि इन हेलमेट्स की खरीद के लिए बजट कितना रखा गया है इसके बारे में फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसके तहत हर एक हेलमेट की कीमत करीब 50,000 रुपए तक होगी और आर्मी इन हेलमेट्स की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स दे सकती है। और जो ये नए हेलमेट्स होंगे ये इंडियन सोल्जर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली बुलेट प्रूफ पटका को रिप्लेस करेंगे और जैसा कि इनके नाम से मालूम पड़ रहा है कि AK-47 प्रोटेक्टेड हेलमेट्स, तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये नए हेलमेट्स होंगे ये AK-47 की बुलेट को भी रोकने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ ये नए हेलमेट्स कई अलग अलग तरह की एक्सेसरीज जैसे कि नाइट विजन गॉगल्स, टॉर्च, वाइजर्स और फेस शील्ड्स को भी सपोर्ट करेंगे। और RFI के मुताबिक इन हेलमेट्स में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये 10 मीटर की दूरी से AK-47 की 7.62x39mm की माइल्ड स्टील कोर और हार्ड स्टील कोर बुलेट्स को रोकने में सक्षम हो। और बता दें कि जो माइल्ड स्टील कोर से बनी बुलेट्स होती हैं वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। हालांकि 2018 में इंडियन आर्मी ने कानपुर बेस्ड कंपनी MKU से भी 170 करोड़ रुपए की कीमत पर करीब 1,58,000 हेलमेट्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर बाद में ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि MKU ने जिन हेलमेट्स को सप्लाई किया था वो हेलमेट्स AK-47 बुलेट्स के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि तब से लेकर अभी तक MKU की तरफ से इन बैलिस्टिक हेलमेट्स में कुछ नए अपग्रेड्स भी किए गए हैं और उम्मीद है कि आर्मी के इस नए प्रस्ताव में भारत की MKU एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आए। भारत की महिंद्रा डिफेंस द्वारा विकसित किया गया माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशली व्हीकल अब UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस का हिस्सा बन गया है और महिंद्रा डिफेंस की तरफ से ये व्हीकल दुनिया भर के कई कंट्रीज को सप्लाई भी किया गया है। और इस व्हीकल की खास बात यह है कि इसे रोड साइड इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को हटाने के लिए एक स्पेशल आर्म से इक्विप किया गया है। और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अभी हाल ही में अपने ट्वीट में इस माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड स्पेशलिटी व्हीकल को डिजाइन, प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने के लिए महिंद्रा डिफेंस सेक्टर की सराहना की है। और इसके अलावा द प्रिंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ डिफेंस सोर्सेज का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इंडियन आर्मी जल्द ही UAE फर्म से कैरेकल नाम की क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की डील को अंतिम रूप दे सकती है। और ये तो आप जानते होंगे कि जो कैरेकल कार्बाइन वाली डील है ये सितंबर 2018 से ही अटकी पड़ी है, लेकिन अब डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इमीडिएट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए UAE कंपनी से इस कैरेकल क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की डील को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बता दें कि 2017 में इंडियन आर्मी की तरफ से फैसला लिया गया था कि वे अपने ट्रूप्स के लिए करीब 93,895 नई कार्बाइन्स को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट्स के तहत खरीदेंगे और आर्मी के इस प्रोग्राम में UAE कंपनी कैरेकल इंटरनेशनल सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकल के सामने आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कैरेकल कंपनी की कार 816 कार्बाइन को चुना गया। और एक कैरेकल कार्बाइन उसी समय चुनी गई थी जब अमेरिका से 6 की 6716 असॉल्ट राइफल्स को चुना गया था, लेकिन अमेरिका से 6 राइफल्स की डिलीवरी पूरी हो गई और अब तो आर्मी इसके दूसरे बैच को ऑर्डर करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कैरेकल कार्बाइन के केस में अभी तक कुछ भी बड़ी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली है। DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर एक P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया गया है जो कि 7-10 तक के पैरा ड्रॉपिंग मिलिट्री स्टोर्स को एयर ड्रॉप करने में कैपेबल है। और इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनी L&T द्वारा ही की जाएगी। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिपेंडेंस डे तक इंडियन आर्मी अपने हेडक्वार्टर में कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल बदलाव कर सकती है। हालांकि इससे जुड़े कई प्रमुख फैसले लिए जा चुके हैं जिनमें से राष्ट्रीय राइफल्स हेडक्वार्टर्स को दिल्ली से बाहर मूव करा के कुछ इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं। और इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के एक सोर्स ने रशियन मीडिया एजेंसी TSS को इस बात की जानकारी दी है कि नवंबर 2019 में टर्की ने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को US मेड F-16 फाइटर जेट पर टेस्ट किया था और इस दौरान टर्किश मिलिट्री ने एयर डिफेंस सिस्टम और एयरक्राफ्ट के बीच एक कम्युनिकेशन को टेस्ट किया था। और इस टेस्ट में ये भी पाया गया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम F-16 को काफी लंबी दूरी से डिटेक्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब अगर F-16 पर बात हो ही गई है तो चलिए अब आपको F-16 पर कलंक लगाने वाले के बारे में भी जानकारी दे दें और वो ये है कि आज बुधवार को LOC पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 साल के एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो कि लीगल तरीके से पुंछ सेक्टर में LOC को क्रॉस करके भारत में घुस रहा था जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का निवासी है।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।